नमस्कार, मैं डॉक्टर डीएस चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत में सीमेंट उद्योग के विकास पर चर्चा करेंगे। सीमेंट एक खनिज आधारित उद्योग है जो हमेशा कच्चे माल के क्षेत्र में स्थापित किया जाता है। विश्व में अगर इसका इतिहास देखें तो सबसे पहले ये 21 अक्टूबर 1824 में एक ब्रिटिश बिल्डर, या हम ब्रिकलेयर भी कहते हैं, वो जोसेफ एस्पडीन उनका नाम था, उन्होंने इसको सबसे पहले पेटेंट कराया था 1824 में। 1824 से पहले जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी उनमें ज्यादातर लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, जिसको हम चूना भी कहते हैं। तो उसका प्रोसेस थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला है और बहुत समय भी लगता है। चूने को इस्तेमाल करने से पहले लगभग 10-12 दिन तो उसको भिगो के रखना पड़ता है, तब जाके वो काम, और फिर उसका जो काम है वो भी थोड़ा धीरे चलता है। मतलब सीमेंट जो है वो फटाफट तुरंत भिगोया और तुरंत उसका यूज और तुरंत उस सूख के मजबूत भी हो जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल फिर ज्यादा होने लगा। सीमेंट बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए उसमें लाइमस्टोन सबसे प्रमुख है, इसके अलावा क्ले और जिप्सम भी जरूरत पड़ती है। और 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग 1.6 टन लाइमस्टोन और लगभग आधा टन हम कह सकते हैं या 0.4 टन क्ले हो या जिप्सम, उसका इस्तेमाल होता है। और इनको गर्म करना पड़ता है, तो गर्म करने के लिए हमें कोयले की जरूरत पड़ती है या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उसमें ज्यादातर कोयला इस्तेमाल होता है। तो 1 टन सीमेंट बनाने के लिए लगभग 3.8 टन कोयले की जरूरत महसूस की जाती है। सीमेंट हमने सबने देखा है कैसा है, उसका यूज भी हम सब जानते हैं। अगर हम पूरे विश्व लेवल पर सीमेंट के उत्पादन को और उनके प्लांट्स की लोकेशन को देखें तो ये मैप इस पूरे सिनेरियो को बयां करता है। सबसे ज्यादा जमावड़ा आप देखेंगे तो चाइना के अंदर देखने को मिलेगा, और फिर इसी लीनियर पैटर्न में भारत होता हुआ यूरोप तक। ये काफी बड़ा सीमेंट उत्पादक क्षेत्र है पूरे विश्व का। फिर इसी पैटर्न में हम आगे चले तो यहाँ उत्तरी अमेरिका के अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। साथ ही हम साउथ अमेरिका में भी देखें तो कुछ कुछ प्लांट्स यहाँ लगे हुए हैं जिसमें ब्राजील का नाम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अफ्रीका में बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ, इसी तरह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी सीमेंट उद्योग का विकास नहीं है। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फिर से दक्षिणी गोलार्ध में ये उद्योग अपेक्षाकृत कम विकसित है, जबकि सबसे ज्यादा विकास इसका हुआ है ये देखिए उत्तरी गोलार्ध के मध्यवर्ती इन अक्षांशों में, यहाँ पर ये ज्यादातर डेवलपमेंट है। हम सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो अभी इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो चाइना विश्व में सबसे ज्यादा सीमेंट पैदा कर रहा है, लगभग 2200 मिलियन टन, यानी कि आधे से ज्यादा 54% दुनिया का सीमेंट ये अकेला देश पैदा कर रहा है। इसके बाद दूसरा नंबर इंडिया का है, 330 मिलियन टन पर ईयर, लगभग 8% दुनिया का ये परसेंटेज भारत में है। और इसके अलावा जो टर्की और वियतनाम, यहाँ टर्की है, ये वियतनाम भी यहीं पर एक देश है एशिया के अंदर ही, तो ये सारे एशियन कंट्रीज हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 89 मिलियन टन, यहाँ देखिए कई सारे प्लांट्स यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये अलग अलग कलर जो है वो प्लांट कितना पुराना है इस बात को शो करता है, लेकिन यह सारे सीमेंट के प्लांट ही है। इसके बाद इजिप्ट में भी, आप इसको मिस्र कहते हैं, यहाँ पर भी इसका काफी जमावड़ा है। इंडोनेशिया के अंदर, ईरान के अंदर भी, रशिया में भी, जो यूरोपियन रशिया है, यहाँ सीमेंट का उत्पादन काफी होता है। इसी तरह से यहाँ साउथ कोरिया, जापान, ये भी एक ठीक ठाक स्थिति रखते हैं, और ब्राजील भी यहाँ ठीक ठाक स्थिति रखता है। तो इस तरह से वर्ल्ड सिनेरियो अगर हम देखें सीमेंट उत्पादन का तो ये इस तरह से है। अब हम भारत में इसके इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत के अंदर पहली जो सीमेंट फैक्ट्री लगी थी वो चेन्नई में लगी थी 1904 में। इसका नाम था साउथ इंडिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से, लेकिन ये कुछ समय बाद बंद हो गई थी, असफल फैक्ट्री मानी जाती है। उसके बाद पहला जो सफल प्रयास हुआ वो पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ 1913-14 में। वहां एक कंपनी इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से स्थापित हुई और ये एक सफल प्रयास भारत में माना जाता है। उसके बाद 1915 में कटनी मध्य प्रदेश के अंदर एक प्लांट लगा, 1916 में लाखेरी राजस्थान के अंदर एक सीमेंट प्लांट लगा, और इस तरह से ये इतिहास पूरा, ये जर्नी जो है सीमेंट इंडस्ट्री की वो शुरू हो जाती है। फिर 1922-23 तक आते आते 6 प्लांट
इंडिया में लग चुके थे सीमेंट के, 1930 में इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सीमेंट मार्केटिंग कंपनी की स्थापना की गई। सीमेंट मार्केटिंग कंपनी ऑफ इंडिया इसका नाम था। 1936 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी बनाई गई जिसका नाम था एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। ये कंपनी आज भी चल रही है, मतलब इसका उत्पादन जारी है। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। ठीक, एक साल बाद 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप बना, ये भी एक कंपनी है जिसने बिहार, तमिलनाडु और पंजाब के अंदर अपने इनिशियल प्लांट जो है वो स्थापित किए। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। 1947 तक आते आते भारत में 18 प्लांट सीमेंट के काम कर रहे थे और 21.5 लाख टन सीमेंट इसका इनका प्रोडक्शन था कुल मिलाकर के। उसके बाद फिर आजादी, और आजादी के बाद फिर भारत सरकार बनी और उसने फिर अपने प्रयास शुरू किए, तो धीरे धीरे ये प्लांट्स की संख्या बढ़ती रही। लेकिन हम उस समय सीमेंट का आयात करते थे और ये ज्यादातर आयात ब्रिटेन से ही होता था। तो उसको कम करने के लिए फिर और आत्मनिर्भर बनने के लिए 1965 में भारत सरकार ने कंपनी बनाई जिसका नाम सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रखा। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मुख्य उद्देश्य था अचीविंग सेल्फ सफिशियंट इन सीमेंट प्रोडक्शन। हमें जितनी आवश्यकता है उतना सीमेंट हम खुद बनाने लग जाएं, इस उद्देश्य से ये कंपनी स्थापित की गई थी, क्योंकि हम उसमें आयात कर रहे थे तो उस आयात को कम करना था या बंद करना था। और अभी ये कंपनी भारत में 10 प्लांट्स का संचालन कर रही है, तो एक प्रमुख कंपनी बनकर उभरी भारत की। उसके बाद 2020 में तक आते आते फिर प्रोडक्शन लगातार बढ़ता रहा और ज्यादातर ये जो कंपनियां सारी हैं वो फिर प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा है। तो 2020 तक आते आते 210 बड़ी कंपनियां, बड़े सीमेंट प्लांट हैं और 350 छोटे सीमेंट प्लांट भारत के अंदर काम कर रहे हैं। और इनमें से कुछ प्लांट्स की लोकेशन में स्टेट वाइज आपको कुछ किस राज्य में स्थित हैं, थोड़ा संख्या के हिसाब से हम देख लेते हैं। ये भारत का मैप है और इसमें अगर हम देखें स्टेट वाइज सीमेंट प्लांट्स 2020 में, और ये जो जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2020 के आंकड़े हैं। उस हिसाब से अगर हम देखें तो भारत में सबसे ज्यादा सीमेंट प्लांट की संख्या राजस्थान में है, 39 सीमेंट प्लांट यहाँ पर, यानी कि 39 सीमेंट प्लांट यहाँ पर काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम देखेंगे तो इसमें आंध्र प्रदेश से 36 प्लांट्स यहाँ पर हैं सीमेंट बनाने के, और 32 प्लांट्स के साथ तमिलनाडु इस मामले में तीसरे नंबर पर है। ये जो तीनों स्टेट्स हैं ऐसे हैं जिसमें 30 से ज्यादा सीमेंट प्लांट्स हैं और सबसे ज्यादा राजस्थान में है, इसलिए वो बहुत बड़ा उत्पादक है। और उसके बाद 28 प्लांट्स का कर्नाटक के अंदर है, 25 गुजरात में है, 23 उत्तर प्रदेश में है और 22 सीमेंट प्लांट तेलंगाना में है। ये सारे वो स्टेट हैं जहां पर 20 से ज्यादा सीमेंट प्लांट भारत में काम कर रहे हैं। इसी के साथ में 19 वेस्ट बंगाल में, 18 महाराष्ट्र में, 17 मध्य प्रदेश में और 14 14 छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सीमेंट प्लांट काम कर रहे हैं। तो आप देखिए ये मेजर स्टेट हैं जो भारत के सीमेंट उत्पादन में काम कर रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र के अंदर सीमेंट उत्पादन का ज्यादा सीमेंट उत्पादन क्यों हो रहा है उसके कुछ कारण है, लेकिन उस पर मैं थोड़ा आगे बात करूंगा। तो ये मेजर प्लांट हैं, मेजर सीमेंट उत्पादक राज्य हैं और जिनमें प्लांट्स की संख्या है। इसके अलावा 10 असम में और 10 जम्मू कश्मीर के अंदर, 9 सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश और मेघालय दोनों में, 9-9 है। इसके साथ ही 7-7 सीमेंट प्लांट हरियाणा और बिहार के अंदर है और 6 सीमेंट प्लांट झारखंड और 5 सीमेंट प्लांट है पंजाब। तो 5 से ज्यादा सीमेंट प्लांट रखने वाले ये सारे भारत के स्टेट्स हैं और आप संख्या के आधार पर देख सकते हैं कि कहाँ ज्यादा उत्पादन इसका हो रहा है। ये सारे सीमेंट प्लांट मिलाकर के अभी अगर हम बात करें तो 330 मिलियन टन पर ईयर सीमेंट का उत्पादन भारत के अंदर हो रहा है। अब हम, जैसा कि मैं आपको पहले कह रहा था कि हम आयात करते थे सीमेंट ब्रिटेन से, लेकिन अब हम निर्यात करने लगे हैं और ज्यादातर जो निर्यात हमारा हो रहा है वो श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, यानी कि पड़ोसी देश जो है भारत के, क्योंकि ये बहुत भारी मटेरियल है और इसको बहुत दूर तक ले जाना ठीक भी नहीं है। ऐसा माना भी जाता है कि सीमेंट बनने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर यूज हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना समय ज्यादा लगता है सीमेंट खराब होता रहता है, इसलिए इसको ज्यादा लंबाई तक ट्रांसपोर्ट करना अच्छा भी नहीं होता, तो ये सब पड़ोसी देशों में फटाफट जाके खप जाता है। साथ ही अफ्रीकन कंट्रीज जो है वहां थोड़ा उत्पादन कम है तो भारत से वहां पर भी इसका होता है। साथ ही मिडल ईस्ट जो कंट्रीज हैं उनमें भी भारत निर्यात करता है, तो भारत कई सारे देशों को अब निर्यात करने की कंडीशन में आ चुका है। अगर हम पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन की बात करेंगे तो
तो भारत के अंदर पर कैपिटा यानी कि एक वर्ष में एक आदमी 195 किलोग्राम सीमेंट का इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ जनरली एक कट्टा जो सीमेंट का होता है उसमें 50 किलो होता है। तो इसका मोटा मोटा मतलब ये है कि एक साल में एक आदमी 4 कट्टा सीमेंट का खर्च करता है औसतन एवरेज, जबकि वर्ल्ड वाइड ये 500 किलोग्राम है और चाइना में ये 1000 किलोग्राम है। वहां सीमेंट का कंजम्पशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो भारत में भी बहुत ज्यादा नहीं है, 200 किलोग्राम के आसपास मान सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ ज्यादा सीमेंट उत्पादन क्यों हो रहा है, उसके लिए आइडियल कंडीशंस क्या हैं? तो राजस्थान है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये आइडियल स्टेट माने जाते हैं भारत के अंदर सीमेंट उत्पादन के लिए। साथ ही कर्नाटक और गुजरात, और इनका भी काफी बड़ा नाम है। उसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो प्लांट लगे हुए हैं वो सारे रॉ मटेरियल वाले एरियाज में लगे हुए हैं, यानी कि वहां चूना पत्थर या फिर कोयला, इन दोनों में से कोई एक चीज है, क्योंकि ज्यादातर यही चीजें रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है। कोयला उसको गर्म करने के लिए और लाइमस्टोन सबसे ज्यादा चाहिए उसमें। तो ये दोनों ही चीजें भारी है, इनको दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता ऐसे में, या करें भी तो फिर बहुत खर्चीला होता है। तो ऐसे में सारे प्लांट वहां लगे हैं जहाँ या तो चूना पत्थर है या फिर कोयला है। अब आप यहाँ पर देखिए, ये सब कोयला मुख्य प्रमुख क्षेत्र थे जहाँ कोयला मिलता था। इस तरफ यहाँ ये देखो सब लाइमस्टोन वाले रीजन है जहाँ चूना पत्थर आसानी से मिल जाता है। नेवेली में इधर कोयला भी मौजूद है। तो ये या तो रोमटरी कोयला वाले क्षेत्र में या फिर जहाँ चूना पत्थर है उन क्षेत्रों में ये ज्यादातर प्लांट सारे लगे हैं। इसके साथ जिप्सम भी है, लेकिन वो थोड़ा कम चाहिए, उसको दूर तक ट्रांसपोर्ट भी हम कर सकते हैं। तो भारत के अंदर जो मोस्ट पोटेंशियल रीजन है वो सेंट्रल और साउथ इंडिया है। या तो ये रीजन है भारत के अंदर या फिर ये साउथ इंडिया है, ये मोस्ट है। और भारत में इसकी जो इस उद्योग का जो भविष्य है, इस उद्योग की जो संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। निकट भविष्य में भारत सीमेंट उत्पादन में और बहुत ज्यादा तरक्की करने वाला है, क्योंकि बहुत पोटेंशियलिटी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, रेल वगैरह, जो भी कच्चा माल है, भारी चीजें हैं, लाना ले जाना, इनको बंदरगाह तक पहुंचाना, तो रेलों का जाल भी यहाँ बिछा हुआ है, तो प्रॉब्लम उतनी ज्यादा नहीं आती है। और फिर इन सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो वो जाहिर सी बात है डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है इन सब चीजों की। ये सब आइडियल कंडीशंस हैं और जो प्रमुख क्षेत्र है उसके। अब हम भारत में सीमेंट प्लांट्स की जो लोकेशन है वो आप देख सकते हो किस तरह का यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है। तो हर सीमेंट फैक्ट्री का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मोटे तौर पर इस तरह के ये प्लांट्स होते हैं। अब हम भारत में कंपनी वाइज इस उद्योग के विकास की बात करेंगे, तो भारत में जो प्रमुख सीमेंट उत्पादक कंपनीज हैं और उनके जो प्लांट हैं उनकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे बड़ी कंपनी भारत के अंदर वर्तमान में अल्ट्राटेक सीमेंट, इसके 44 प्लांट भारत में काम कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा हैं, और इसकी कुल उत्पादन क्षमता भी लगभग 115 मेट्रिक टन है पर ईयर, मिलियन टन है पर ईयर। तो ये जो 100 से ज्यादा मिलियन टन प्रोडक्शन करने वाली पर एक ही कंपनी है अल्ट्राटेक कंपनी। इसका इतिहास हालांकि बहुत पुराना नहीं है, इसके जो छुटपुट पहले जो प्रयास शुरू हुए वो 1980 के आसपास से इसने अपना काम शुरू किया था, लेकिन आज भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। और ये सारे वो स्टेट हैं जहां पर ये 44 प्लांट्स इनके मौजूद हैं इन सारे राज्यों में, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब, ये सारे स्टेट जो है इनमें इनके प्लांट ज्यादातर है। दूसरी बड़ी कंपनी श्री सीमेंट, इसके 17 प्लांट है भारत के अंदर इन सारे राज्यों में, और इसके जो कुल क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो 36.40 मिलियन टन पर ईयर है। तीसरी बड़ी कंपनी है एसीसी सीमेंट, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी, इसके भी 17 प्लांट भारत में वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी कंपनी है, आजादी से पहले 1936 में इस कंपनी को बनाया गया था और आज भी काम कर रही है। 34.49 मिलियन टन पर ईयर इसका है और इन सारे राज्यों में इसका इसके प्लांट लगे हुए हैं। ये काफी पुरानी आजादी के पहले की, बाकी सारी जो कंपनियां हैं वो सब आजादी के बाद बनी है, और ज्यादातर इनमें से काफी नई कंपनियां हैं जो पिछले 20-25 साल के अंदर ही बनाई गई हैं। इसके साथ ही अंबुजा सीमेंट, लगभग 15 प्लांट इसके यहाँ पर हैं भारत के अंदर और 32.36 मिलियन टन पर ईयर इसका है। इंडियन सीमेंट के 10 प्लांट है। इसी तरह से रोमको सीमेंट, डालमिया सीमेंट, ये भी 1936 में यानी कि आजादी से पहले बनी हुई कंपनी है जो अभी भी काम कर रही है। साथ ही जेके लक्ष्मी सीमेंट, चेटिनाथ सीमेंट, सेंचुरी सीमेंट, लाफार सीमेंट, ये जो लाफार सीमेंट है ये विदेशी कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है। ये बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाली दुनिया की जो तमाम बड़ी कंपनियां उनमें अपना नाम रखती है। तो ये भी छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस तरह से इन्होंने प्लांट्स यहाँ पर स्थापित किए हैं, और 11.65 मिलियन टन पर ईयर इसकी भी क्षमता है, लेकिन ये लगातार काम कर रही है भारत के अंदर। और
इसके बाद जेके सीमेंट है, JSW सीमेंट है, ओरिएंट सीमेंट है, ये सारे वो ऐसे सीमेंट प्लांट हैं भारत के अंदर जो 10 मिलियन टन पर ईयर से ज्यादा उत्पादन क्षमता रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं। अब ये क्षमता है इनकी, इतना उत्पादन हो रहा हो ये जरूरी नहीं है, कंपनियां डिमांड के हिसाब से अपना उत्पादन करती है, लेकिन ये क्षमता है तो उत्पादन कम भी होता है, तो इस तरह से ये कैपेसिटी है इनकी। और ये पांच जो प्रमुख हैं इनके, जिनके प्लांट 10 से ज्यादा प्लांट भारत में काम कर रहे हैं, उसमें अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, SCC, अंबुजा और इंडियन सीमेंट्स। तो इस तरह के जो बड़ी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही है। इसके अलावा भी कई सारे नाम आपने सुने होंगे, बिरला सीमेंट, बिनानी सीमेंट, हाइडलबर्ग सीमेंट, वंडर सीमेंट, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर काम कर रही है। तो ये उसमें से मेजर सीमेंट कंपनी थी। और ये सारा जो डेटा मैंने इस टेबल में आपको बताया वो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के हिसाब से है, सरकार के आंकड़े। तो ये भारत में सीमेंट का सिनेरियो था। अब मैं आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। सीमेंट का आविष्कार कब और किसने किया था? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश कौन सा है? चेन्नई में भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? भारत में सर्वाधिक सीमेंट प्लांट किस राज्य में स्थित है? भारत में सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? भारत में कार्यरत लाफार्ज सीमेंट किस देश की कंपनी है? तो आप इन सवालों के जवाब दीजिए, अगर आपको नहीं आंसर मिल रहा है तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी और वीडियो में बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। थैंक यू सो मच।